हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उर्मी समल प्रिविलेज ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जा रहे हैं हम लोग मेरे देवरानी के मायके, और उसकी नानी माँ यानी कि दादी सीरियस है। तो हम लोग जस्ट नहा धोकर नाश्ता कर रहे थे, और वहाँ से फ़ोन आया कि सीरियस है, आप लोग आ जाओ बोल के। तो हम लोग निकल गए हैं। तो मैं ना उड़िया में पूरा वीडियो डाली हूँ, इसलिए हिंदी में थोड़ा थोड़ा ही क्लिप दे दे रही हूँ। बाकी अलग वीडियो है, वही वीडियो नहीं है, थोड़ा थोड़ा जस्ट क्लिप डाल दी हूँ स्टार्टिंग में। एक ही वीडियो में बड़ा हो जाता है, इसलिए हिंदी उड़िया दोनों में कर दी हूँ मैं। तो देखिए हम लोग उनके गांव के आसपास पहुँच कर ना, वो लोगों को फ़ोन करी कुछ कुछ लेने के लिए, नानी के लिए कुछ। तो और लोग बोले कुछ कुछ ले आना, सब्जी उब्जी भी ज़्यादा जने आ रही हो, तो हमारा तो अभी किसी का मन ठीक नहीं है। तो नींबू उम्बू ले आना और कुछ कुछ सब्जियाँ। तो हम लोग एक तो बाज़ार था रास्ते में, तो वहीं पर उतरे थे, थोड़ा सा बाज़ार घूमे, बहुत अच्छा लगा। फ्रेश फ्रेश साग सब्जी था, और उधर का बाज़ार अलग टाइप से होता है। और देखिए हमारे इधर जैसे जेंट्स लोग बेचते हैं चना मुर्रा गुपचुप गुपचुप, उधर सारे लेडीज ही बेच रहे थे। अलग देश अलग वेश, अलग अलग चाल ढाल, सब कुछ अलग रहता है। ये हमारा छत्तीसगढ़ है और उधर उड़ीसा है, अब बहुत दूर है, तो अलग अलग बोल चाल रहन सहन सब कुछ अलग है। बहुत अच्छा लगा उधर का बाज़ार वाज़ार देखकर। और देखिए सुखी वाली सुस्की उसकी सब बैठ रहा था, छोटा सा बाज़ार था, बाकी बहुत कुछ था वहाँ पर। और सारी सब्ज़ियाँ ना बहुत फ्रेश थी। हम लोग तो यहाँ बाज़ार नहीं जाते हैं, तो बाज़ार देखने से बहुत अच्छा लगता है। घूमे थोड़ा सा बाज़ार धूप में हम लोग, और बच्चे लोग गुपचुप गुपचुप खाए, और बहुत ज़्यादा साग सब्जी था, बाकी हर चीज़ थोड़ा थोड़ा था, फ्रेश फ्रेश साग सब्जी था। और वहाँ ले जाने के लिए हम लोग थोड़ा सा साग सब्जी खरीदे, फल खरीदे, और बच्चे लोग गुपचुप गुपचुप खाए। लेट हो चुका था, उन लोगों को भी भूख लगने लगा था, माही आम खाने का जिद करी, तो माही आम खाई। और फिर चलिए और थोड़ा सा दिखाते हैं बाज़ार हम लोग। देखिए राशन वासन सब कुछ सामान था। और इधर की बोली ना हमारी तरफ से थोड़ी हट के है, अलग से बोली है इधर का। हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ में उड़िया बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ी टाइप का थोड़ी जाता है, और इधर का ना एक दूसरा ही भाषा होता है, अलग से इनका बातचीत, पूरा उड़िया भी नहीं है, समलपुरी भी नहीं है, थोड़ा अलग टाइप से बातचीत करते हैं लोग। और देखिए इधर मेरी बेटियां आम खरीदने में लग गई थी, और उसके बाद हम लोग निकल गए फिर घर। और देखिए आ गई, थोड़ा थोड़ा हिला ली हूँ, ये पहुँच गए मेरे देवरानी के घर। और चलिए नानी को देखते हैं, उसकी बुआ भी आई है देखने के लिए, और उसकी चाची उसके बेटा भी हमारे साथ आए। और देखिए माही आते ही गिर गई, और हम लोग नानी को देखने में लग गए। सब सीरियस थी, हम लोग जब गए तो किसी के बात बात नहीं सुन रही थी, बातचीत नहीं कर रही थी, आँख ही नहीं खुल रही थी, सुबह बहुत ज़्यादा सीरियस थी। धीरे धीरे आराम लगने लगा उसको, शाम तक हम लोग रुके थे एक दिन। देखिए हम लोग जब गए ना ऐसे पड़ी थी, ना आँख से देख रही थी, ना किसी से बात कर रही थी, ना उसका होश भी था। तो देखिए देखते ही मेरे को तो डर लग गया, क्या होगा इसका शायद सोचकर। और देखिए मेरी देवरानी ने उसको जूस पिलाने के लिए बोल रही थी, तो ठंडा वाला मत पिलाइए उसको, लकवा का शिकायत बोले हैं बोले, तो तुरंत जूस को नहीं पिलाए उसको, ठंडा वाला जूस था तो मना करते हैं लकवे में शायद, मेरे को तो नहीं मालूम। और देखिए थोड़ी देर के बाद हम लोग खाना वाना खा कर फिर मेरी देवरानी बोल रही है नानी का तो होश नहीं है, तो उसके लिए पैंपर्स वैंपर्स ले आना। तो हम लोग घूमने के लिए गए थे गौरपुर तरफ और ले आए, और उसके बाद आकर खाना वाना बना के खाने लगे। सब कुछ का डिटेल इस उड़िया वीडियो में डाली हूँ मैं। और देखिए रात को सोने के बाद सुबह हम लोग 3:30 बजे रात से उठकर हम लोग निकल पड़े घर के लिए, और नानी को दिखाना भी था रास्ते में। देखिए माही सोई है, और मेरी बड़ी बड़ी बेटियाँ और इनकी सब सोए थे गाड़ी में, सब सो गए थे, उसके पापा चला रहे थे और बस मैं ही जगी थी, और सब सो गए थे। इधर साले होना दिखाने के लिए हम लोग लाए हैं नानी को, यहाँ लाए हैं हमारे घर। तो देखिए नानी सोई थी गाड़ी में, हम लोग थोड़ा इधर उधर घूमने लगे, बहुत सारा ना महुआ गिर रहा था, और बहुत ज़्यादा बिनने वाले भी थे, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। हमारे तरफ इस तरह का व्यू ना देखने को नहीं मिलता है, हमारे तरफ महुआ वहुआ का पेड़ नहीं है, तो ये सब महुए के पेड़ के नीचे ना आदमी बीन रहे हैं, देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी बेटियाँ ना बहुत खुश हो रही थी देखकर, बीन रहे थे, देखो
महुआ दिखा रहे थे मेरे को, कितना अच्छा सेंट आ रहा है इसका बोल रहे थे। और सभी पेड़ के नीचे बहुत सारा सारा महुआ गिरा था। माही भी बीनने लगी थी, देखिए आजा के साथ, मेरी देवरानी यानी कि तनुजा के साथ। और ये लोग ना सारे महुआ को ना पैर से रौंद दे रहे थे, तो हम लोग मना किए उनको कि मत रौंदो, वो लोग बीन रहे हैं, ख़राब हो जाएगा करके। और इधर हम लोग आ गए, देखिए मेरी बड़ी वाली बेटी दिखा रही थी और एक जने ने बहुत सारा फसल उगाई थी, तो चलिए उनका बाड़ी घुमाती हैं आप लोगों को। लौकी फला था, आम फला था, प्याज लगाए थे, बैंगन लगाए थे, बहुत सारी सब्जियाँ। ये लोग ना दूसरे के खेत है, बाकी उनके यहाँ से ना खेत को पैसे हिसाब से सालाना के लिए हैं खेत को, जैसे हमारे यहाँ रेग बोलते हैं इसको, साल भर में कितने एकड़ का कितना पैसा देते हैं। और ये लोग फसल उगाते हैं उसमें, देखिए मक्का, मूंगफली, आम, किन्नरो और क्या झुनगा। और उधर लगाए थे मूंगफली, बेर, फूल वूल बहुत कुछ लगाए थे। और आपकी खेती है क्या बोले तो, खेत हमारा नहीं है, बाकी दूसरों का है, हम लोग उसको सालाना पैसा देते हैं और हम लोग फसल उगाते हैं बोले। और चारों पूरा फैमिली, चारों माँ बेटी, उसके बाप, उसके भाई, सब कोई चारों थे यहाँ पर, पूरी फैमिली उनकी। और देखिए महुआ बिनकर सुखाए थे, इधर लौकी भी फला है, किन्नरू भी फला है। बहुत अच्छा लगा फसल देखकर, मेरी बड़ी वाली बेटी इस तरह का फसल देखकर बहुत खुश होती है। तो हम लोग ना डर डर कर गए थे उनके बाड़ी में, बाकी वो लोग थे हमको देखकर खुश हो गए। और हम लोगों ने सब्जियां खरीद के लेने के लिए बोला, तो बोले कि हम लोग बेचने के लिए ही तोड़ रहे हैं, ले लो बोले। तो हम लोग 100 रुपये का सब्जी वहाँ से लाए, प्याज भाजी, धनिया पत्ती, बैंगन, किन्नरू लाए उनके यहाँ से, फ्रेश फ्रेश वाला साग सब्जी था। और वो लोग बोले हम लोग ज़्यादा दवाई वही नहीं दिए हैं, हमारे खाने के लिए भी लगाते हैं बोले। और साल भर के लिए वो लोग प्याज लगाए हैं, हम लोग साल भर खाते हैं प्याज, बेचते नहीं हैं प्याज को बोले। तो भाजी लाए थे बस हम लोग। और देखिए मक्का भी हुआ नहीं है, मूँगफली बहुत अच्छी उगी थी और लौकी छोटी छोटी अभी शुरू हो रही थी फलना, और बैंगन ख़त्म होने लगा था। देखिए लौकी स्टार्ट हो रहा है अभी और बैंगन ख़त्म होने वाले थे। बहुत ज़्यादा कुछ कुछ लगाए हैं, खुद के खाने के लिए भी, बेचने के लिए भी। देखिए इस तरह का फसल देखो तो खुश हो जाता है दिल। और छोटे छोटे आम के पेड़ में देखिए कितना ज़्यादा आम फले थे। ये कलम वाला पेड़ है, हाइब्रिड वाला है शायद, या कलम क्या हुआ है। देखिए बहुत ज़्यादा आम आया था। और इधर लाल वाली चौलाई भाजी, चेंज भाजी, धनिया की पत्ती, बहुत कुछ कुछ लगाए थे, सादा वाला भाजी, सारा बेचने के लिए लगाए हैं। हम लोग भी खाते हैं, बेचते हैं, ज़्यादा दवाई नहीं देते हैं बोले। अच्छा लगा सारा खेती देखकर इनका, बहुत मेहनती लोग हैं। और देखिए ये वाला ना बड़ा वाला बेर लगाए हैं ये लोग, एक बार फल चुका है, दूसरा बार फूल आने लगा है। और ये सारा मूँगफली की खेती है, बहुत अच्छी उगी है मूँगफली, अभी फूल आने लगी है मूँगफली में, अभी फला नहीं है। और देखिए नीमा, रिंकी, माही सब आए थे, इसके पापा, तनुजा, उसकी मम्मी, हम लोग सब सब्जी वब्जी तोड़ कर लाए। देखिए ये लोग सब बैंगन तोड़ रहे हैं, माही भी तोड़ रही है, नीमा भी तोड़ रही है, तनुजा, उसकी मम्मी सब तोड़ रहे थे। तो तनुजा की मम्मी बोल रही है, आप लोगों को लग रहा है जैसे हम ही लोगों का खेती है, जैसे आप लोग घूम घूम कर तोड़ रहे हो, बोल के हंस रही थी मम्मी। और इसकी बेटी को तोड़ने के लिए बोले थे वो लोग, तोड़ के लाना जाओ, ये लेंगे बोल के। और हम लोग भी तोड़ने लगे सब जाकर, तो वो लोग बोले कि आप लोग छांट के तोड़ लो और फिर ले लेना बोले। तो ये लोग सब तोड़ रहे थे। और उसके बाद बोले थोड़ा थोड़ा प्याज की भाजी दे दो बोले, तो वो लोग बोले कि ले जाओ ऐसे ही बोले। तो हम लोग प्याज की भाजी तोड़ने लगे, वो लोग भी तोड़ के दिए हमको। फिर किन्नरू, बैंगन, प्याज की भाजी, धनिया की पत्ती सब लाए हम लोग, वहीं पर किलो तकड़ी सब रखे थे वो लोग, तोल के दिए। घर बनाए हैं, बोर है वहाँ पर, और वहीं पर शायद बेचने वाले आते हैं खरीदने के लिए। देखिए पूरा फ्रेश फ्रेश था, तुरंत तोड़ा हुआ, और बहुत अच्छी लग रही थी, इसकी सब्जी भी बनाई थी मैं लाकर। और देखिए प्याज की भाजी हम लोग भी तोड़े और वो लोग भी तोड़ के दिए, वो लोग का एक्सपीरियंस है ना, जल्दी जल्दी तोड़ ले रहे थे।
और बस इतना ही हो जाएगा। बोले ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा ही लेंगे करके हम लोग। फिर पोलोथीन वोलोथीन दिए हम लोग, तो थैला पकड़े नहीं थे। उसके बाद आ गए हम लोग, और उसके पापा फ़ोन किए कि नंबर आने वाला है, जल्दी से आप लोग आ जाओ। और फिर यहाँ एक ही जने नाश्ता बनाता है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहे हैं डॉक्टर के पास, तो बोले कि जल्दी नाश्ता ख़त्म भी हो जाता है, आ जाओ आप लोग नाश्ता भी कर लेंगे। हम लोग सुबह से ऐसे ही निकले थे घर से, 3:30 बजे रात से जग कर निकले थे, तो नाश्ता वास्ता भी करना था, कोई कुछ नहीं खाए थे उतना टाइम तक, 8:30 बजने वाले थे। और हम लोग नाश्ता कर लिए इधर, 8:30 बजे पहुँचे थे, बाकी अभी 9 बजने वाले थे, 9 या 9:30। और हर कोई नाश्ता कर रहे थे यहीं पर, हम लोग भी किए। बड़ा और भजिया बना रहा था एक जने, दिन में 1200-1500 बेच लेता हूँ, 11 बजे तक बोल रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहे हैं, यहाँ का दवाई शायद अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा आदमी आ रहे हैं, सब मोटर में आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। और ये है डॉक्टर का घर, देखिए कितना सुंदर लगा है फूल वूल, और बैठने उठने के लिए पंखा लगा है बरामदे में, तखत वखत लगा है, बहुत अच्छी सुविधा कर दी है आदमी आने बैठने रहने के लिए। बहुत अच्छा लगा सब कुछ यहाँ का। और किसी को ना लकवा वकवा हो रहा है तो यहीं ला कर दिखाइए, इसको बोलते हैं साले होना, और यहाँ ठीक हो जाते हैं लकवा वाले। जो चल फिर नहीं सकती हैं वो लोग चलने फिरने लगते हैं, बोल रहे हैं। और अभी नानी को दिखाए हैं, उसका क्या होगा हम लोग फिर बताएंगे बाद में आपको, कितना परसेंट अच्छा हो रही है। आप लोग वीडियो में तो देख ही लोगे। और चले वहाँ से दवाई ववाई लाकर हम लोग निकल पड़े फिर घर, और वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। और देखिए रास्ते में हम लोग रायगढ़ वाले रास्ते से आए सालेवना से, और आकर ना वीडियो और नहीं बनाए हैं, एकदम से थक गए थे सब। 2 दिन का आना जाना, बहुत दूर लंबा वाला टूर करोगे तो थकान होती है, और गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर, और कभी कभार आप लोग घर से निकल रहे हैं तो बहुत तकलीफ़ होता है इतना लंबा रास्ता जाना आना करने में, तो एकदम से थक गए थे हम लोग। ये है रायगढ़, और अभी हम लोग रायगढ़ से निकलने वाले हैं। और देखिए ये है मेरे भैया लोगों का मोहल्ला, पर हम लोग मेरे भैया के घर नहीं गए थे, नानी थी उसका तबीयत ठीक नहीं था, तो और हम लोग फिर आ गए घर। और देखिए दुख में ना सब कोई दौड़ते हुए जाते हैं, अपना पराया दुख में ही पता चलता है। उसके बाद हम लोग आ गए घर, देखिए, और हम लोग सारा बैग वैग को ला रहे थे। इधर तनुजा अपने नानी को गाड़ी से ला रही थी, और अकेले नहीं हो पाएगा करके मैं भी उसको पकड़ के उसका हेल्प करी। और हम लोग घर पहुँच कर ना पूरा थके हुए थे, तो कोई वीडियो वीडियो नहीं बनाए हैं, और मैंने वीडियो का एंड भी नहीं किया था। और पूरा डिटेल में वीडियो ने मैं उड़िया चैनल में मेरा डाली हूँ, उर्मी संबलपुरी ब्लॉग बोलने से सर्च करने से निकलेगा, आप सर्च करके देख लीजिएगा जिसको देखने का मन है। और पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हिंदी में मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप डाली हूँ उसका, और लास्ट का जो डॉक्टर दिखाई नानी को वो वाला वीडियो डाली हूँ हिंदी में। तो पसंद आया तो हिंदी वीडियो भी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे वीडियो आगे जा सके। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, तो थके हैं तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही हूँ। और मेरी देवरानी का बहुत मन दुखी भी था, और वीडियो बनाने का ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा मेरे को इस हालत में ज़्यादा वीडियो वीडियो बनाना। मेरी बेटियाँ थी तो वो लोग बनाई वीडियो, मैं ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, थोड़ा थोड़ा जहाँ पर बना मेरी बेटियाँ बना रही थी वीडियो। और हम लोग एक ही साथ गए थे, मेरे देवरा देवरानी और मेरी बेटियाँ सब गए हुए थे, ज़्यादा सीरियस थी तो देखने के लिए। और एक दिन हम लोग रुके, अगले दिन आए लेकर, उसको पूरा वीडियो में डाली हूँ पार्ट पार्ट करके, ज़्यादा लंबा नहीं बनाई हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, नए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।